बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हाफ़िज़ महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंफॉर्मेशन, उनकी वीडियोस, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाइयों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इजहार करते रहा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके कमेंट्स से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसका मुझे नहीं पता होता या वो न्यूज़ मुझ तक नहीं पहुंची होती, और आपके कमेंट्स से ही मैं नेक्स्ट टॉपिक जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करना होती है वो आपके कमेंट्स से ही लेता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। तो आइए चलते हैं हमने आज की इंफॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं ये है जी इस्लामाबाद की जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज है उनके मतलब की ये इंफॉर्मेशन है। ये ही इंफॉर्मेशन जो इस्लामाबाद की इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं ये आज से तकरीबन 3 महीने पहले भी मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, लेकिन 3 महीने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आज मैं शेयर करने लगा हूँ इसमें और आज से 3 महीने पहले जो इन्फॉर्मेशन थी इसमें काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क इस तरह के ये जो CDA की लीगल जो है अथॉराइज उनकी जो वेबसाइट है उस पे जो उन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी है उसके मुताबिक काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी चेंजिंग हुई हैं, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी भी नाम आए नए नए जिनका बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये भी इलीगल होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी, जो कि CDA की तरफ से, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो न्यू अपडेट दी गई है, ये दी गई है जी 5 मई 2021 को, यानी कि आज से तकरीबन 24 दिन पहले की ये अपडेट है। और इससे पहले जो उन्होंने लिस्ट अपडेट की थी दी थी वो दी थी जी 28 जनवरी को ये लास्ट आई थी, उसके बाद अब ये आई है 5 मई को। इसमें जी आपको बताता हूँ Zone 1 की, इस्लामाबाद को क्योंकि 5 जोन में डिवाइड किया गया है तो उसमें से जो Zone 1 है उसकी सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो 28 जनवरी को लिस्ट अपडेट उन्होंने की थी तो उसमें Zone 1 का उन्होंने कुछ नहीं बताया था, तो क्योंकि उन्होंने लिखा था साथ के ओल्ड इस्लामाबाद, बस वो ओल्ड इस्लामाबाद लीगल इस्लामाबाद था। अब उसी में Zone 1 में ओल्ड इस्लामाबाद में उन्होंने ये बताया कि 20 हाउसिंग सोसाइटीज है जो इलीगल है। उन 20 हाउसिंग सोसाइटीज में कौन कौन से नाम है जी, अब्दुल्ला टाउन H17, अमार टाउन H17, चिनार टाउन H17, गुलशन तालीम H15, चंगी सईदा होम्स H15, पैरल ऑर्चर्ड H17, कमर गार्डन H15, शेरजवान गार्डन H17, शिफा इंटरनेशनल हाउसिंग सोसाइटी, ये जी शिफा इंटरनेशनल हाउसिंग सोसाइटी है H17। उसके बाद आ जाता है जी तलहा फार्म्स H17, तैयब गार्डन H15, जमार वैली H17, अहमद टाउन D14, अवान टाउन D14, कैपिटल हिल्स रेजिडेंशिया D14, ग्रीन वैली Phase 2 E15, ग्रीन वैली D14, मार्गला व्यू वैली D14, पैराडाइज वैली D14, शहजाद टाउन E15। Thank you.
इस्लामाबाद का जोन वन, जिसकी जनाब 20 हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो कि इलीगल चल रही हैं इस वक्त, और ये इनमें कोई कुछ ऐसी सोसाइटीज भी हैं जो काफ़ी अर्सा से डेवलप है, जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो न्यू शुरू हुई हैं। ये सारे की सारी 20 हाउसिंग सोसाइटीज जोन वन में ये इलीगल चल रही हैं। इनकी जो लिस्ट है, तस्वीर, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो भी आप चेक कर लें। इसके बाद ही मैं आपके साथ नेक्स्ट जो वीडियो शेयर करूंगा वो इस्लामाबाद के जोन 2, 3, 4 और 5, क्योंकि इस्लामाबाद को जोन 5 में तकसीम किया गया, 5 जोन है इसके, तो सारे जोन की मैं आपके साथ पिछले 3 मंथ की जो बताया था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये मैं सारा कुछ इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। ये थी जी इस्लामाबाद के जोन 1 की जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ है उनकी इंफॉर्मेशन। इसके बाद मैं लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की भी इंशाल्लाह आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबके रिस्क रोज़ी में अजाफा करें, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।